हे डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर आपके साथ लेकर आया हूँ धमाकेदार एक नया टॉपिक, राजनीति सिद्धांत में समकालीन राजनीति सिद्धांत का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं आपके ऑलरेडी दो पार्ट बना चुका हूँ। जब हम लोग राजनीति सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो ये उसी का आपका थर्ड पार्ट है, राजनीति सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, उसका जन्म कैसा हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत हम लोग व्यापक राजनीति सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीति सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ये थर्ड है समकालीन राजनीति सिद्धांत। बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा मजेदार रहेगा। तो चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पर, और यहाँ पर मैं तेजेंद्र सिंह अपनी पूरी टीचिंग टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ, ताकि आप आने वाले एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करो। और ये जो छोटा सा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम जीआईसी प्रवक्ता हायर एजुकेशन, चाहे आपको यूपी में पीएससी के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वहां पर, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एमए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर कराया जाता है, चाहे आपका इग्नू के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे आप वहां पर बात कर लीजिए पेपर वन, तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर घुमा कर भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये समकालीन राजनीति सिद्धांत क्या है? समकालीन राजनीति सिद्धांत मतलब जो आज के समय, जो एट प्रेजेंट जिस समय टाइम में हम लोग जी रहे हैं, उस टाइम के सिद्धांत को राजनीति सिद्धांत, समकालीन राजनीति सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और इस पर यहाँ पर डेविड हेल इसके बारे में विशेष बल देते हैं। बड़ा ठीक है, इंटरेस्टिंग सा ये कहते हैं, समकालीन राजनीति सिद्धांत को राजनीति विचार के रूप में देखा गया जिसमें अनेक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विषय वस्तु के महत्व को जांचने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पर हम दोनों सिद्धांतों को जोड़ के पढ़ेंगे, व्यापक को भी और यहाँ पर आधुनिक को भी। तो दोनों सिद्धांतों को देखकर यहाँ पर उसमें जुड़ा हुआ यह भाग समकालीन सिद्धांत देखने को मिलेगा। उसने संकलनात्मक विश्लेषण के रूप में अनुशासन को पुनर्जीवन युक्त करने और इस प्रक्रिया में सर्व सत्ता, लोकतंत्र, न्यायशीलता आदि जैसे मुख्य रूपों में संकल्पना के अभिप्रायों पर एक व्यवस्थापरक कटाक्ष और इन अभिप्रायों का वर्गीकरण खोजने का प्रयास किया है। इसको हमारे नैतिक मतलब हमारे जो नैतिक राजनीतिक कार्यकलापों को निहित प्राधार की व्यवस्थापरक विशद व्याख्या, राजनीति मूलक की बुनियादों के प्रकटन, परीक्षण एवं पुनर्निर्माण के रूप में विकसित किया गया है। फोर्थ पार्ट में बात करते हैं यहाँ पर, इसको दुर्बोध सिद्धांतिक प्रश्नों एवं विशिष्ट राजनीतिक विषयों से संबंधित एक प्रकार के तर्क के रूप में पुनर्जीवित युक्त किया गया है। इसका आधारीकरणवाद के रूप में आलोचना के रूप में समर्थन किया गया है, चाहे पक्ष आधुनिकतावाद हो, चाहे उदारवादी या यथानुसार अपने आप को मनुष्य के बीच संलाप और संवाद हेतु एक उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत करता है। सिक्स पार्ट में यदि बात करते हैं, इसके सैद्धांतिक अर्थशास्त्र बुद्धिवादी विकल्प सिद्धांत व नीति सिद्धांत द्वारा प्रभावित व्यवस्थापक आदर्श निर्माण के रूप में विशद व्याख्या की गई है। इसका लक्ष्य है राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्पष्ट और निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करना। इसको राजनीति विज्ञान के शिक्षण के सैद्धांतिक उद्यम के रूप में विकसित किया गया है। इस प्रकार यह प्रक्षेपण विशिष्ट अनुभाविक सामान्यकरण के आधार पर सिद्धांत को रचने का प्रयास करता है। समकालीन राजनीति सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या, अन्वेषण से और अंतर्ज्ञत्व और इसके बहुत से संबंधित है, जो राजनीति संकल्पनाओं, सिद्धांतों व संस्थाओं से संबंध रखता है। ब्रायन बेरी कहते हैं पॉलिटिकल आर्गुमेंट में अपनी में कहा है कि राजनीति सिद्धांत सिद्धांतों व संस्थाओं के बीच संबंध का एक अध्ययन है। मतलब वन लाइन में याद रखीजिए, यहाँ पर ब्रायन ने क्या है, सिद्धांतों व संस्थाओं के बीच संबंध का एक अध्ययन है करने का प्रयास करता है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा है कि राजनीति सिद्धांत वैज्ञानिक अनुभाविक तरीकों के साथ साथ सत्य को भी तलाश सकता है। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं एनरिक स्टेट एंड यूटोपिया में विश्वास है कि समकालीन राजनीति सिद्धांत व्यापक साध्यों को अनुभाविक साधनों से जोड़कर अनेक राजनीतिक समस्याओं को हल कर सकता है। सर्वसम्मति उदाहरण के लिए जॉन प्लेमनोज डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन में कहते हैं यह कि एक तार्किक व नैतिक लक्षण के अनुभाविक विश्लेषण व प्रकटन राजनीति सिद्धांत में यह अस्तित्व रख सकते हैं। डेविड हेल आगे कहते हैं समकालीन राजनीति सिद्धांत प्रथम मीमांसात्मक संबंध सर्वोपरि संकलनात्मक और नियामक के साथ साथ द्वितीय अनुभाविक विश्लेषणात्मक संबंध सर्वोपरि बोध व व्याख्या की और समस्याओं के साथ तृतीय सामरिक संबंध और सर्वोपरि हम जहां हैं से हम जहां होना पसंद करेंगे की ओर गमन की साध्यता निर्धारण के साथ साथ इनमें जोड़ना होगा। ऐतिहासिक राजनीति कथन के बदलते अर्थ की जांच उसके मध्य पड़ते सिद्धांत में महत्व सर्वोपरि है। मतलब यहाँ पर ये तीन अर्थों में इसको बताते हैं, प्रथम मीमांसात्मक संबंध सर्वोपरि संकलात्मक और नियामक के साथ,
द्वितीय अनुभाविक विश्लेषणात्मक संबंध के रूप में, सर्वोपरि बोध व्याख्या की समस्या के साथ, तृतीय सामरिक संबंध, सर्वोपरि हम जहां हैं और से हम जहां होना पसंद करेंगे। तो ये तीन पॉइंट को मैं इन्होंने इस बात को रखा है। यदि मैंने कुछ यहां पर थोड़ा सा यहां पर से स्पीड से बताने का प्रयास किया है तो आप इसे थोड़ा सा इसकी स्पीड को स्लो कर लीजिए और आसानी से सरलता से इसे समझ लीजिए, क्योंकि हमें आगे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो वो सारा कवर करना है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और यदि आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।